कोडरमा जिले के डुमरडीहा गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब गांव के कुएं से एक महिला और नवजात बच्चे का शव मिला। ग्रामीणों ने कुएं में दोनों शव उस वक्त देखे जब वे खेतों में काम करने जा रहे थे, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस दल बल के साथ घटनास्थल पहुंची और शव को कुएं से बाहर निकाला। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतका के पिता का कहना है कि उसका पति और पहली पत्नी प्रताड़ित करते थे। कई बार मामले को लेकर पंचायत भी की, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला। हम लोग चौकीदार के द्वारा हम लोग को खबर मिला 8:30 बजे। हाँ, हमारा गाँव में मिला। अच्छा, फिर हम लोग अपना गाँव से आए, तब तक देखे की वहाँ पर प्रशासन भी पहुँचा हुआ था। लास्ट हम लोग देखे। अच्छा, उसके बाद? उसके बाद हम लोग यहाँ तक थाना तक हम लोग पहुँचे। थाना तक पहुँचे। ये घटना, ये बच्ची के साथ पहले भी ससुराल वाले लड़ाई झगड़ा करते थे क्या? हाँ, उस कई बार किया था। हालांकि एक बार कई बार पंचायत भी हुए था, तो एक बार गांव से पूरा मैंने लिखा पढ़ी हुआ था, इसके बाद भी नहीं थी हुआ। और फिर 3 महीने के पूर्व पहले जो मुखिया सरपंच के साथ और वहाँ का सेक्रेटरी दो आदमी है थाना में जो बराबर के साथ लिखा पढ़ी हुआ था, बोल खर्चा पैसा देंगे, फिर उसी तरह से मारपीट लड़ाई झगड़ा। तो आपका संदेह क्या है कि ससुराल वाले मार के कुएं में डाल दिया? वही डाल भी किया। कौन डाला है? कौन डाला? वही अनवर डाला, और अनवर का भाई जो जिमराती है, और उसका जो लड़का लोग फिरोज वगैरह है, उसके घर परिवार सारा लोग डाला। और उसका दोनों हमारा बेटी का दोनों गोतनी लोग भी, उन लोग भी मारा पीट किया है। आपको बता दें कि यह घटना के बाद मृतका का पति और बाकी परिजन फरार है। मृतका के पिता का कहना है कि ससुराल के लोगों ने उसे कुएं में फेंका है। वहीं पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है। न्यूज़ डेस्क।